हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सीटी डिपार्टमेंट आईपीएम गाजियाबाद, आपके समक्ष एक टॉपिक कर लेकर आया हूं जो बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी से संबंधित है, शब्द और उसके भेद। इससे पहले वीडियो में हमने वर्ण, वर्णों के भेद के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे शब्द और उसके भेद के बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शब्द का अर्थ क्या है, शब्द होता क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, मतलब दो शब्द, दो वर्ण हो या दो से अधिक वर्ण हो, जो वो आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन उनका एक सार्थक, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकले, सार्थक मेल हो, ऐसे जो वर्ण हैं जब वो जुड़ जाएंगे तो उन्हें शब्द कहा जाएगा। जैसे के प्लस मैं प्लस ले बराबर कमल। हम बात करेंगे शब्दों के प्रकारों के बारे में, शब्दों के भेद के बारे में। शब्दों को निम्नलिखित चार आधारों पर बांटा जा सकता है, उत्पत्ति या हम कह सकते हैं इतिहास के आधार पर, दूसरा है बनावट, जैसे हम कह सकते हैं रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति, मतलब इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पांच भेद हैं। नंबर वन, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत से लाए जाते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, मयूर, दुग्ध आदि। मतलब अगर हम बात करें जो सब संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं और उन्हीं शब्दों को ज्यों का त्यों लाकर हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करने लगे या हिंदी में जो प्रयोग करेंगे वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, मयूर, दुग्ध आदि। मतलब अग्नि अगर आप हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अग्नि जो है वो संस्कृत में वैसे इस्तेमाल होता है, मयूर संस्कृत का शब्द है लेकिन इसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, दुग्ध संस्कृत का शब्द है लेकिन उसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। हम बात करेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर, आग, दूध आदि। मतलब संस्कृत में जो शब्द बोले जा रहे थे उनका परिवर्तित रूप है, मतलब उनको जो है दूसरे अर्थ में परिवर्तित, मतलब दूसरे रूप में परिवर्तित करके यहाँ पे बोला जाता है। जैसे हम संस्कृत में अग्नि बोल रहे थे तो यहाँ पे क्या है, तद्भव में हम उसको आग बोल रहे हैं। संस्कृत में हम बोल रहे थे मयूर लेकिन हिंदी में हम उसको जो है मोर बोलते हैं। संस्कृत में हम दुग्ध बोला लेकिन तद्भव शब्द जो है उसका हिंदी में जो प्रयोग कर रहे हैं वो दूध है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो तद्भव शब्द हैं। अब है हमारा एक देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं वे शब्द देश शब्द कहलाते हैं। मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो आम बोलचाल की जो भाषा है वहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोले जाते हैं और वहाँ से उन शब्दों को लिया गया है, ये शब्द जो है वो देश शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, गाड़ी, पगड़ी, जूता आदि। नेक्स्ट बात करेंगे हम विदेशी शब्द के बारे में कि विदेशी शब्द क्या होते हैं। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मतलब दूसरे देशों में जो बोले जाने वाली भाषा हैं उनके जो शब्द हैं, उन भाषाओं के जो शब्द हैं उनको हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे हकीम, दुकान, अलमारी, अखबार, मोटर आदि। मतलब ये जैसे अरबी फारसी का कोई शब्द है उसको हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, कोई अंग्रेजी का शब्द है उसको हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, कुछ तुर्की शब्द हैं उसको हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं जिनको हम हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी में उनका प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है संकर, और इनको द्विज शब्द भी बोलते हैं। द्विज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं से, मतलब कोई शब्द है जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टिकट घर, तो
तो टिकट जो है वो अंग्रेजी शब्द है, प्लस घर जो है वो हिंदी शब्द है। टिकट प्लस घर बराबर टिकट घर, तो ये अंग्रेजी और हिंदी से मिला हुआ शब्द है। अजायब घर, अजायब अरबी शब्द है और घर जो है वो हिंदी शब्द है, तो अजायब प्लस घर बराबर अजायब घर। तो इस तरीके जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वो जो शब्द हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, द्विज शब्द कहलाते हैं। हम बात करेंगे बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले बात करें हम रूढ़ शब्द के बारे में कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ये वे शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मतलब अगर हम शब्द के टुकड़े करने लगे तो टुकड़े करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, अगर फल के हम टुकड़े करें, फ अलग करें और ल अलग करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस तरीके से बस, कलम आदि। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब यौगिक शब्द की जब बात करेंगे हम तो वो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनेंगे, दो सार्थक शब्द होंगे जिनका दोनों का ही अर्थ होगा कुछ ना कुछ। जब उन्हें जोड़ेंगे तो एक नया तीसरा शब्द बनकर आएगा। जैसे जलवायु, जल प्लस वायु। जल अपने आप में एक पूरा शब्द है और वायु अपने आप में पूरा शब्द है, जब हम उसे जोड़ते हैं तो जलवायु बनकर आता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति, दोनों अपने अलग अलग शब्द हैं और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रपति बनता है। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं किंतु अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब बनेंगे तो दो शब्दों के योग से लेकिन उनका अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, वो किसी तीसरे शब्द की ओर जो है इशारा कर रहे होंगे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ का मतलब शिवजी से है। हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर। एक जो शब्दों का आधार है, शब्दों को भेद है, वो एक है अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, जैसे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले बात करें हम सार्थक शब्द के बारे में। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, अगर वो अर्थ नहीं निकलता हो तो सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, जैसे पानी, पानी पानी का अर्थ निकलता है, एक पेय पदार्थ है, सड़क, कक्षा, रोटी आदि। एक निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जब हम पढ़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे वक्षा, वड़क, वोटी आदि। मतलब ये वो शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। इसी आधार पर एक और प्रकार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों आदि। मतलब विकारी शब्द वो हैं जिनके रूप में, मतलब लड़का है अगर हम बात करें तो उसमें लिंग में परिवर्तन आने पे तो लड़का लड़की, मतलब उसका जो दूसरा रूप है परिवर्तित जो लिंग के आधार पर, वो लड़की कहलाएगा। जैसे लड़के हैं तो वचन के आधार पर लड़कों। तो इस तरीके से जो है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर के कारण परिवर्तन आ जाए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का है, लड़की है, लड़के, लड़कों आदि। दूसरा है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे। अब अगर हम धीरे धीरे की बात करें तो चाहे पुरलिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, दोनों के लिए धीरे धीरे बोला जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वचन की बात करने लगे
तो वहाँ पे हम चाहे लड़के लिखें या चाहे लड़कों लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो धीरे धीरे परंतु, परंतु आप स्त्रीलिंग में यूज़ करें चाहे पुल्लिंग में यूज़ करें, दोनों के लिए जो परंतु है वो एक समान है। तो इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर दो आधार हैं, विकारी और अविकारी शब्द। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। पहला प्रश्न है, दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बेटा दो भाषाओं से जो मिलकर बनते हैं वो जो शब्द हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। यौगिक शब्द का कोई उदाहरण दीजिए। यौगिक शब्द जलवायु, इसलिए कि यौगिक शब्द में क्या होता है, दो सार्थक शब्दों का मेल होता है, जल प्लस वायु, जलवायु। अगला प्रश्न है, लिंग वचन व कारक के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है कौन से शब्द कहलाते हैं? उत्तर है अविकारी शब्द। मतलब अविकारी शब्द जो हैं उसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंड लास्ट प्रश्न है, शब्द का अर्थ बताइए। तो शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। मतलब दो वर्ण मिल जाएं या दो से अधिक वर्ण मिल जाएं, जब वो वर्ण मिल जाएंगे और एक सार्थक वर्ण होंगे, जब वो मिलेंगे और कोई अर्थ बताएंगे तो वो शब्द है, वो जो शब्द बनेगा उसे हम शब्द कहेंगे। धन्यवाद।